हेलो दोस्तों, व्यू टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के बहुचर्चित कांड के बारे में। कांड नहीं है, एक डाइवोर्स केस था जो कि एक डिफेमेशन केस बन गया। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, जॉनी डेप और एम्बर होल्ड्स के बीच का जो मैटर है कोई उससे अछूता नहीं है, सब जानते हैं। बस मैं कम वक्त में एक बैकग्राउंड बता के आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों ये ज़रूरी है, क्या चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए इस खबर को लेके, क्या हम सीख सकते हैं। ठीक है, कहानी शुरू होती है 2009 में। 2009 में एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है। मूवी का नाम था द रमी डायरी। पोस्टर आप देख सकते हैं। रमी डायरी में एक बहुत ही विचित्र बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना होती है, जहाँ पे एक पैशनेट किसिंग सीन आता है। यूट्यूब पे जाइए, पैशनेट किसिंग सीन को देखिए, एंजॉय करिए। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का किसिंग सीन होता है और काफ़ी पैशनेट रहता है। जॉनी डेप की शादी है, उनकी वाइफ भी है, तो भी बहुत पैशनेट सीन रहता है, जिसकी वजह से र्यूमर्स सोसाइटी में फैल जाते हैं। अमेरिकन सोसाइटी में र्यूमर्स फैल जाता है कि दोनों का भैया चल रहा है। फिर 2011 में उस फिल्म की जब प्रमोशन करने के लिए ये दोनों साथ में जाते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चंस का उन्हें सामना करना पड़ता है कि आप लोग क्या साथ में हो क्या। खैर, समय बीतता है और 2014 में जॉनी डेप एक इंटरव्यू में बोल देते हैं कि हाँ, मैं एम्बर के साथ रिलेशनशिप में हूँ और अगले साल हम लोग शादी कर लेंगे। यहाँ पर जॉनी डेप की वाइफ की कोई गलती भी नहीं थी और पति से हाथ धोना पड़ा। खैर, अमेरिकन सोसाइटी में ये कॉमन बात है, क्या ही कर सकते हैं। फाइनली 2015 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के जस्ट 1.5 साल बाद दोनों का तलाक, डाइवोर्स। 2016 में क्या होता है, एम्बर हर्ड मीडिया को बुलाती है। मीडिया को बुला के बताती है कि देखो, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मुझे मोबाइल फेंक के मारा था, जिसकी वजह से एक पर्पल कलर का निशान भी मेरी बॉडी पर है, ऐसी ऐसी बातें भूली। केस फाइल हो चुका था, जिसकी वजह से 2017 में ही दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और एक सेटलमेंट अमाउंट जॉनी डेप को पे करना पड़ता है। इस सेटलमेंट अमाउंट आप समझ ही गए होंगे, ये पैसा पे करना पड़ता है और टोटल अमाउंट है $7 मिलियन। $7 मिलियन पे करने पड़ते हैं जॉनी डेप को। ठीक है, जब पैसे पे करने होते हैं, एम्बर हर्ड मना भी कर रही होती है और मना करते हुए पैसे ले भी लेती है और बाद में ये भी बोलती है कि उन्होंने गरीब बच्चों की सहायता के लिए वो पैसा दान दे दिया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी का में डाइवोर्स एक बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही आम बात है, इतना बड़ा बात है नहीं। यहाँ तक सब कुछ सेट था, सब कुछ बढ़िया था। प्रॉब्लम होता है 2018 में, जब एक मीडिया हाउस, आपने नाम भी सुना होगा, वॉशिंगटन पोस्ट। तो देखो, मीडिया हाउस का आप समझ जाइए, लेफ्ट और लिबरल मीडिया हाउसेज वहाँ पर अमेरिका में ज़्यादा हैं, और लेफ्ट और लिबरल का होता है कि आप तोड़ो, चीज़ों को डाइसेक्ट करो, उसमें से बस मज़े लो उस चीज़ के। डाइसेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर देम, ओके, यूनिटी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम। एनीवेज, होता क्या है, उन्होंने वही किया। उन्होंने बहुत ही कनिंगनेस के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उनके माइंड में जो था, एम्बर के माइंड में जो भी था, उन्होंने बोल दिया। अब एक पोस्ट में एक होता है ओपिनियन नाम का कॉलम। उस ओपिनियन नाम के कॉलम में एम्बर ने जो भी बोला, जबकि एम्बर के किसी भी स्टेटमेंट में जॉनी डेप का कोई नाम नहीं था, किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन इमोशंस में बोला हुआ, बहुत सी चीज़ें बोली थी। बोला था कि मैं क्रुसेड्स हूँ, मैं डोमेस्टिक वायलेंस करने वालों के खिलाफ मैं एक देवी हूँ या क्रुसेड्स हूँ, ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, एग्जैक्टली वही का वही उन्होंने ओपिनियन वाले कॉलम में छाप दिया। अब डिजिटल माध्यम के से ये पोस्ट जा रहा था, जिसकी वजह से सब बहुत जॉनी डेप की बहुत किरकिरी हुई। जॉनी डेप ने केस भी किया वॉशिंगटन पोस्ट का। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा भाई मेरा तो लेना देना नहीं है, मैं तो एग्जैक्टली आपके वर्ड कोट कर रहा हूँ, एम्बर हर्ड के वर्ड कोट कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है इस चीज़ से। एक सन मीडिया नाम का भी एक मीडिया हाउस है यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का। ठीक है, उन्होंने भी इस इंटरव्यू को पोस्ट किया। जॉनी डेप गए लॉ सूट वहाँ पे डालने और वहाँ पे लॉ सूट हार गए। फिर उन्होंने अपील भी किया उसी मीडिया हाउस के खिलाफ,
अपील करने की परमिशन तक नहीं दी कोर्ट ने, ठीक है। कहा भाई आपका तो बनता ही नहीं है, इन्होंने पर्सनली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। थक हार के बैठ गए, फिर हुआ इनको बहुत बड़ा लॉस जॉनी डेप को, मूवीज से बाहर निकालने लगा, जो जिस मूवी में काम कर रहे हैं उसी मूवी से बाहर निकाला जाने लगा, अच्छा खासा लॉस हो गया, इनका कैरियर एक तरीके से पूरा चौपट हो चुका था, ठीक है। हाँ, कंपेंसेशन अमाउंट मिलता था प्रोड्यूसर की तरफ से, लेकिन कैरियर तो ख़त्म ही हो गया। तो बिल्कुल कैरियर एकदम ख़त्म होने की बिल्कुल आखिरी पर था, तब फाइनली डिफेमेशन केस फाइल करते हैं जॉनी डेप, और $50 मिलियन का ये कंपेंसेशन मांगते हैं कि भाई मुझे मेरा आपने डिफेम किया आपने मुझे, ठीक है। बस यही केस चल रहा था, ये केस US की फेडरल कोर्ट में चल रहा था, बहुत सारे सबूत भी पेश किए गए, बहुत सारी चीज़ें तो जैसे होती हैं, ठीक है। फाइनली सबूत कुछ और ही बोल रहे थे और एम्बर हर्ड केस हार जाती है। एम्बर हर्ड के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्हें $50 मिलियन पे नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ कहा कि आप $15 मिलियन में ही सेटलमेंट करेंगे। $15 मिलियन एक बड़ा अमाउंट है, एम्बर हर्ड के लिए भी बड़ा अमाउंट है। एक चीज़ तो श्योर है, बैंकक्रप्ट हो जाएगी ये लड़के, ठीक है। 116 करोड़ इंडियन रुपीज़ इन्हें देने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से केस एंड हो जाता है। अब मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता है, इंडिया में एक चीज़ हुई थी, मी टू मूवमेंट चला था। हाँ, इंडिया हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, आज के टाइम में वुमेन के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, जो लॉ होता है उनको बहुत पावर प्रोवाइड कर देता है, जिसके चलते इन लॉज का मिसयूज़ भी होता है। इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी परेशान है कि मिसयूज़ को कैसे रोका जाए। मेजॉरिटी केस में ये होता है कि चाहे दोषी है चाहे नहीं है, वो जेल की सलाखों में है लड़का, ठीक है, चाहे है या नहीं उससे मतलब नहीं है। ये बहुत ही रेयर केस में हुआ है जहाँ पे एक वोमेन को बोला गया है नहीं, आपका गलत चार्जेस है। यहाँ पे एक मैन ने अपने आप को निर्दोष प्रूफ किया, जो कि अपने आप में अमेरिकन सोसाइटी में बहुत रेयर है, इवन इंडिया में बहुत रेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत रेयर है, और ये हुआ है तभी ये जो केस है ये इतना फेमस हुआ है, और ये एक रेयर केस है, तो आपके काम का भी है, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हुआ, हो गया है। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम।